नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। 20 अगस्त से बिहार में जमीन सर्वे शुरू होने वाला है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो बिहार में रहते हैं या बिहार से बाहर रहते हैं वो अपने सर्वे को कैसे कराएंगे, साथ ही किस किस डॉक्यूमेंट को अपने पास रखेंगे। अगर आप भी ये खबर देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये खबर किसी काम का नहीं है तो आप गलती कर रहे हैं। अगर आपको जानना है कि आप जमीन सर्वे में किन किन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना है और कैसे जमीन का सर्वे करवाना है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इसके लिए आप इस खबर को पूरा देखिए। बिहार में 20 अगस्त से जमीन का सर्वे शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। सर्वे के लिए लोगों को ग्राम सभा के जरिए बताया जा रहा है कि उन्हें क्या करना होगा। पटना में भी 20 अगस्त को 1369 जगहों पर ग्राम सभा होगी, जहां लोगों को जमीन सर्वे की जानकारी दी जाएगी। इस सर्वे में आपको कौन कौन से कागजात दिखाने होंगे आपको इस वीडियो में बताते हैं। बता दें, जमीन सर्वे के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट या बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने जिले में लगे शिविर में जाना होगा। आवेदन करते समय आपको जमीन का विवरण प्रपत्र 2 भरकर जमा करना होगा, साथ ही आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा। तो सर्वे के दौरान आपको किन कागजातों की जरूरत होगी? पहले नंबर पर अगर आपके दादा या परदादा के नाम की जमीन है और तब वो नहीं रहे तो आपको उनकी मृत्यु का प्रमाण पत्र या तारीख बतानी होगी। इसके अलावा अगर आपके पास पुरानी जमाबंदी या माल गुजारी की रसीद है तो उसकी जानकारी भी देनी होगी। वहीं खतियान की कॉपी, खरीद बिक्री के कागजात जैसे जमीन से जुड़े दस्तावेज भी आपको दिखाने होंगे। अगर अदालत ने जमीन के बारे में कोई फैसला दिया है तो उसकी कॉपी भी आपको देनी होगी। आपको ये साबित करना होगा कि आप ही जमीन के असली वारिस हैं। इसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा, साथ ही आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी देनी होगी। बता दें कि जमीन सर्वे को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जमीन के मालिकाना हक का स्पष्ट रिकॉर्ड बनेगा। इससे भविष्य में होने वाले विवादों को रोकने में मदद मिलेगी। इसलिए जो भी जमीन मालिक ये खबर देख रहे हैं तो इस सर्वे में पूरा सहयोग करें और जरूरी दस्तावेज समय पर जमा करें। याद रखें, जमीन एक महत्वपूर्ण संपत्ति है और इसका सही रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। इस सर्वे के जरिए आप अपनी जमीन के मालिकाना हक को सुरक्षित कर सकते हैं। तो देखिए, बिहार में जमीन विवादों को रोकने के लिए नीतीश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, जहां बिहार में 20 अगस्त से ये जमीन सर्वे कराया जा रहा है और इसको लेकर जो जमीन के असली मालिक होंगे उनका स्पष्ट एक प्रमाण पत्र रहेगा उनके पास कि ये जमीन उन्हीं की है, उस जमीन के वारिस वही है। उसके लिए कुछ दस्तावेज आपको देने होंगे। या तो आप बिहार में हैं तो आप अपने नजदीकी शिविर में जाकर आप अपना सर्वे करा सकते हैं। अगर आप बिहार में नहीं हैं तो आप ऑनलाइन भी इस सर्वे को करा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जमीन आपके पास ही रहे तो आप ये सर्वे जरूर करा लें। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।